नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर राजकुमार नागर। जैसा कि हम नोसोर्स के ऊपर लेक्चर बना रहे हैं, जिसमें हमने मेडोराइनम और अपसिफिलिनम और उसके पहले हमने सोराइनम देखी, तो सोराइनम, मेडोराइनम और अब हम सिफिलिनम देखेंगे। नोसोर्स ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, तो चलिए शुरू करते हैं मेडिसिन सिफिलिनम। दोस्तों, अगर सिफिलिनम के कॉमन नेम की अगर हम बात करें तो सिफिलिटिक वायरस है, नोसोर्स है और जो इसका थर्मल रिलेशन है वो है हॉट। तो सिफिलिनम, सिफिलिटिक वायरस, नोसोर्स एंड थर्मल रिलेशन जो की है हॉट। दोस्तों, अगर हम मेंटल जनरल्स की बात करें सिफिलिनम के, तो सिफिलिनम के मेंटल जनरल्स में लॉस ऑफ मेमोरी, कैन नॉट रिमेम्बर नेम्स ऑफ बुक, पर्सन और प्लेस, एरिदमिकल कैलकुलेशंस डिफिकल्ट। जैसे कि हमने मेडोराइनम में देखा था कि मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड्स का नाम ध्यान नहीं रहता, वहाँ पे भी लॉस ऑफ मेमोरी है, फॉरगेटफुलनेस है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे किताबों के नाम, व्यक्ति के नाम और जगह के नाम पेशेंट ध्यान नहीं रख पाता है और एरिथमेटिकल कैलकुलेशंस डिफिकल्ट, गणित के सवाल नहीं कर सकता है पेशेंट सिफिलिनम में, जबकि इस तरीके का एरिथमेटिकल कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं था मेडोराइनम में। सेंसेशन एज इफ गोइंग इनसेन, एज इफ अबाउट टू बी पैरालाइज्ड ऑफ एपैथी एंड इनडिफरेंस। कैसे किस तरह की सेंसेशन कि मैं पागल हो जाऊंगा और एज इफ अबाउट टू बी पैरालाइज्ड। देखिए, एक सेंसेशन है, इसमें एज इफ अबाउट टू बी पैरालाइज्ड का मतलब होता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसे लकवा हो गया। अभी किन स्थितियों में होती, जहां पे ये हम रूब्रिक भी लेते हैं, डिल्यूजन पेशेंट इज या ही और सी इज पैरालाइज्ड, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी स्थिति जहां पे पेशेंट कुछ कर ही नहीं पा रहा है, जिसे हम कहते हैं कि हिल डुल नहीं पाना किसी भी परिस्थिति में, चाहे कि वो फाइनेंशियल स्थिति है जिसमें कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो पेशेंट क्या कहता है कि डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या फिर मैं फिक्स्ड हो गया हूँ, स्टैंड स्टिल कंडीशन है, कुछ हो नहीं रहा है। अब इससे अच्छा तो क्या है कि मैं सुसाइड कर लूँ या कुछ ऐसा करूँ जिससे कि ये परिस्थिति हल हो जाए, बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं पर्याप्त प्रयास कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जो लेते हैं एज इफ अबाउट टू बी पैरालाइज्ड एंड एपैथी एंड इनडिफरेंस, बहुत दुखी होता है और इनडिफरेंट होता है, विरक्ति आ जाती है, कुछ भी करना नहीं चाहते, करने की इच्छा नहीं होती है सिफिलिनम। टेरिबल ड्रेड ऑफ नाइट ऑन अकाउंट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन ऑन अवेकनिंग, इट इज इनटॉलरेबल, डेथ इज प्रिफरेबल। फियर द टेरिफिक सफरिंग फ्रॉम एग्जॉशन ऑन अवेकनिंग, फियर द टेरिफिक सफरिंग, कब, जब वहाँ उठता है या उठते समय, और ड्रेड ऑफ नाइट ऑन अकाउंट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एग्जॉशन। अगर हम फिजिकल जनरल की बात करें तो कुछ अच्छे सिम्टम्स लिखे हुए हैं, जैसे कि पेन फ्रॉम डार्कनेस टू डेलाइट, मतलब रात को ही एग्रेवेशन होता है। तो अगर कोई भी पेशेंट किसी भी कंप्लेंट को लेकर आए और कहे कि रात को ही तकलीफ बढ़ जाती है, तो वो सिफिलिनम का केस हो सकता है, और अगर दिन में बढ़े तो मेडोराइनम होता है। बिगिन विद द ट्विन लाइट एंड एंड विद द डे लाइट, ठीक है, मर्क्यूरियस एंड फाइटोलिका। तो यहाँ पे पेन लिखा हुआ है, अगर हम मर्क्यूरियस की बात करें तो इन बोन पेन, जो बोन पेन, पेन एग्रेवेशन एट नाइट, ग्लैंडुलर स्वेलिंग विथ और विदाउट सपुरेशन, बट स्पेशली अब सपुरेशन बी टू प्रोफ्यूज, सपुरेशन प्रोफ्यूज होना चाहिए, और ग्लैंडुलर सपुरेशन और स्वेलिंग होती है, और पेन जो बढ़ता है वो रात को बढ़ता है, स्पेशली बोनी पेन मर्क्यूरियस में। फाइटोलिका में भी पेन ही लिखा हुआ है, बट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं। पेन इंक्रीज एंड डिक्रीज ग्रेजुअली, धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे कम होता है। शिफ्टिंग एंड रिक्वायर फ्रिक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन, इस तरीके का रात में दर्द जिसमें कि वो धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे ही कम होता है और एक जगह से दूसरी जगह पर होता रहता है। शिफ्टिंग एंड रिक्वायर पेन फ्रिक्वेंट चेंज ऑफ पोजिशन, पेशेंट को दर्द की वजह से फ्रिक्वेंट पोजिशन चेंज करनी होती। All symptoms was at night, mercurius में जैसे हम पढ़ गए हैं, sundown to sunrise दोनों syphilitic medicine है, और mercurius वाले lecture में मैंने इसको differentiate भी किया है, अगर आपको लगे तो आप वो lecture जाके देख सकते हैं। अगर हम emaciation की बात करें तो extreme emaciations of the entire body, जो कि abrotinum और iodinum में भी है या iodum में है, इसको हमने abrotinum वाले chapter में differentiate किया, but मैं बता देता हूँ, marasmus especially in the leg जो होती है वो एब्रोटिनम में होती है। अगर होल बॉडी की बात करें तो आयोडम और आयोडम हॉट होता है, एब्रोटिनम चिली होता है। नेक एंड थ्रोट पे अगर इमर्शेशन है तो इंट्रम्यूर होता है चिली, अगर प्रोग्रेसिव इमर्शेशन है तो वो सेनिक्यूला, एंड इमर्शेशन रैपिड एंड प्रोनाउंस विद सेनिक्यूला में देखने को मिलता है। अगर हम आगे बात करें, क्रेविंग ऑफ द एल्कोहल इन एनी फॉर्म, हेरिडेटरी टेंडेंसी टू एल्कोहलिज्म, ये हम एस आर आर सौरभ ने
सेराइनम, ट्यूबरक्लिनम, सल्फर एंड सल्फ्यूरिक एसिड में देखते हैं। तो जो स्पेसिफिकली मेंशन है सारा यूरोपियन में वो है अनकंक्वरेबल लॉन्गिंग फॉर एल्कोहल, अ पॉपुलर रेमेडी इन रशिया फ्रॉम डंकार्ड्स। ये सारा यूरोपियन में लिखा हुआ है। और सल्फ्यूरिक एसिड में लिखा वन पार्ट विथ थ्री पार्ट ऑफ द एल्कोहल 10 to 15 ड्रॉप्स थ्री टाइम्स डेली फ्रॉम 3 or 4 वीक्स हैज बीन सक्सेसफुली यूज टू सबड्यू द क्रेविंग फॉर लिकर। ये हैरिंग ने कहा है, हैरिंग ने कहा है कि अगर 10 से 15 बूंद एल्कोहल के साथ मिला दी जाए, वन पार्ट विथ थ्री पार्ट ऑफ द एल्कोहल, 3 पार्ट एल्कोहल के और 1 पार्ट अगर सल्फ्यूरिक एसिड का मिला के पेशेंट को 10 से 15 बूंद लगातार दी जाए तकरीबन 4 वीक डेली फॉर 3 दिन के लिए, 3 डेज डेली फॉर 3 or 4 वीक्स हैज़ बीन सक्सेसफुली, तो उसमें शराब छूट जाती है पेशेंट के, ऐसा हैरिंग ने कहा है। ये बोरिक में रेफरेंस दी गई है और सल्फ्यूरिक एसिड वाले चैप्टर में मैंने इसको डिफ्रेंशिएट भी किया है, आप जाके देख सकते हैं। हेडेक कैसा है, ड्यूरेलजिक इन कैरेक्टर कॉजिंग स्लीपलेसनेस एंड डिलीरियम एट नाइट। पेशेंट को देखिए रात को ही दर्द हो रहा है, पेशेंट सो नहीं पा रहा है, कमेंसिंग एट 4 PM वर्स फ्रॉम 10 to 11 एंड सीजिंग एट डे लाइट, सीज एट 11 or 12 PM लाइकोपोडियम एंड फॉलिंग ऑफ द हेयर। हेडेक के साथ स्लीपलेसनेस, रात को होने वाला और हेडेक के साथ हेयर फॉल। एक्यूट ऑफ्थेल्मिया नियोनेट्रम लीड स्वेलन एडहेयर ड्यूरिंग स्लीप, पेन इंटेंस एट नाइट। देखिए रात को ही, एग्रवेशन कब है, 2 से 5 शाम, रात को 2 से 5 बजे के बीच में, पस परफ्यूज रिलीव्ड बाय कोल्ड बाथिंग। टोसिस है, ड्रूपिंग अबव द अपर आईलिड्स, अपर आईलिड का पैरालिसिस ऑफ सुपीरियर ओब्लिक मसल्स। स्लीप लुक फ्रॉम ड्रूपिंग लीड्स, कॉस्टिकम एंड ग्रेफाइटिस। कॉस्टिकम में क्या लिखा हुआ है इसको लेके, कॉस्टिकम में लिखा हुआ ड्रॉपिंग अप अपर आईलिड्स कैन नॉट कीप देम ओपन, आपको वो ओपन ही नहीं कर पाता है। जेल्सीमियम में भी लिखा हुआ है और ग्रेफाइटिस में भी है, लिखा हुआ है ग्रेट हैवीनेस ऑफ द अपर आईलिड्स कैन नॉट कीप देम ओपन, इतनी ज़्यादा भारीपन है यहाँ पे, और जबकि यहाँ पे ड्रॉपिंग ही है कॉस्टिकम में, और यहाँ पे भी सुपीरियर ओब्लिक स्पेसिफिक मसल्स लिखी हुई है सुपीरियर ओब्लिक सिफिलिन में। डिप्लोपिया 1 mm सीन्स बिलो द अदर। माउथ में टीथ डिके एट एजेस ऑफ गम एंड ब्रेक ऑफ, एजेस पे है, गम्स पे अनर कर्व्ड एजेस सीरेटेड, जो दांत है वो सीरेटेड होते हैं एंड ड्वार्फिड इन साइज, छोटे छोटे और सीरेटेड देन एंड कन्वर्ज एट देयर टिप्स स्टेफिस एग्री। जब हमने थूजा पढ़ी थी तो टीथ डिके को लेके हमने मेडिसिन डिफ्रेंशिएट की थी, मैं फिर भी बता देता हूँ। टीथ डिके एट द रूट्स, क्राउन रिमेन द साउंड, क्रम्बल एंड टर्न येलो, ये थूजा में है। और आगे लिखा हुआ स्टेफिस एग्रिया में क्या लिखा है, टू डिके एट द, देखिए थूजा में लिखा हुआ टीथ डिके एट द रूट्स, जड़ से, और क्राउन मतलब उनका ऊपरी भाग अच्छा होता है और जड़ से पेशेंट के जो दांत है वो सड़े हुए मिलते हैं हमको या डिके मिलते हैं, वो थूजा है। टीथ टर्न ब्लैक, शो डार्क स्ट्रिक थ्रू देम, कैन नॉट कीप कैप्ट क्लीन, क्रम्बल डिके ऑन एजेस स्क्रोबेटिक केकेक्सिया, यहाँ पे एजेस पे डिके हैं जबकि यहाँ पे रूट पे है थूजा में। अगर क्राउन ऑफ द टीथ डिके और रूट्स रिमेन, अगर रूट्स जड़े सही हो, दांत ऊपर से सड़े हुए मिले हमें तो मर्क्यूरियस है, और अगर क्राउन इंटेक्स एंड रूट डिके तो मिजेरियम इन थूजा है और डिके एजेस स्टेफिस एग्रिया है। ये डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट है इसके। अगर हम जीआई की बात करें तो ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन फॉर योर रेक्टम सीम्स टाइड अप विद स्ट्रिक्चर व्हेन एनीमा वाज यूज्ड, द एगोनी ऑफ पेसेस वाज लाइक लेबर, इस तरीके का ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन हमें देखने को मिलता है। अगर हम ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन और फीसर इन एनस एंड रेक्टम थूजा, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, ऑब्स्टिनेट केसेस विद सिफिलिटिक हिस्ट्री, फीसर इन एनस एंड रेक्टम फीसर है और थूजा में भी है, प्रोलैप्स है और साथ में क्या है सिफिलिटिक हिस्ट्री देखने को मिलती है। और जो ऊपर जो कॉन्स्टिपेशन देखा ना, बहुत जिद्दी है, बहुत परेशान करने वाला कॉन्स्टिपेशन जो सालों से चला रहा है। रेक्टम सिम्स टाइड अप विथ स्ट्रिक्चर वैन एनिमा वॉज यूज, द एगोनी ऑफ पेसेज वॉज लाइक लेबर, ऐसा लगता है कि जैसे कि प्रसव वाला जो दर्द होता है, प्रेगनेंसी वाला जो जिस समय जब प्रसव होता है या बच्चा बाहर आता है, उस तरीके का जब दर्द होता है वो महसूस होता है सिफिलिनम में कॉन्स्टिपेशन के केसेस में। अगर हम फीशर की बात करें, फीशर में जो सिफिलिनम में लिखा हुआ है, तो अगर हम थूजा की बात करें तो एनस फीसर या एनल फीसर, पेनफुल टू टच, सराउंडेड विथ फ्लेट वार्ड्स और मोइस्ट म्यूकस एंड कोंडाइलोमेटा है थूजा में। अगर हम सलीशा की बात करें तो फीसर एनआई ग्रेट पेन आफ्टर स्टूल,
यहाँ पे स्टूल के बाद बहुत दर्द होता है, जबकि यहाँ पे सिफिलिनम में ऐसा कोई स्टूल को लेके कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं मेंशन। अगर हम फीचर में रटानिया को देखें तो फीचर ऑफ एनस ग्रेट सेंसिटिविटी ऑफ द रेक्टम, रटानिया ग्रेट सेंसिटिविटी है। हमने जब रटानिया पढ़ी थी और एसिड म्यूर पढ़ी थी उसमें हमने बताया है। एसिड नाइट्रिक की बात करें तो फीचर इन रेक्टम टीयरिंग स्पाजमोडिक पेन ड्यूरिंग स्टूल लेंसिनेटिंग इवन आफ्टर सॉफ्ट स्टूल। अगर या देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है सलीशा में आफ्टर स्टूल पेन होता है, जबकि नाइट्रिक एसिड में सॉफ्ट स्टूल है, स्टूल हार्ड नहीं इवन दो पेन होता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो प्रफ्यूज ल्यूकोरिया है यहाँ पे, पानी की तरफ बहने वाला, शोकिंग थ्रू द नेपकिन्स एंड रनिंग डाउन टू द हिल्स, मतलब इस तरीके का पतला प्रफ्यूज पानी होता है कि वो पेट से लीक होके पैरों तक आ जाता है, हील तक आ जाता है। इसको लेकर सिफिलिनम एल्यूमिना में भी लिखा हुआ है ल्यूकोरिया, बट वहाँ पे एक्रीड है, यहाँ पे एक्रीडिटी नहीं है। प्रफ्यूज एक्रीड रनिंग डाउन टू द हील्स एग्रेवेशन ड्यूरिंग द डे टाइम, डे टाइम में होता जबकि सिफिलिनम में हर चीज़ नाइट में बढ़ रही है, एंड रिलीव्ड बाई कोर्ट बार्थिंग एल्यूमिना। अगर हम कार्डियोवेस्कुलर की बात करें तो लेंसिनेटिंग क्रेम फ्रॉम बेस टू अपेक्स एट नाइट, रात के समय सीने में दर्द होना जो कि अपेक्स से लेके बेस से लेके अपेक्स तक होता है। अगर अपेक्स से बेस हो तो मेडोराइनम साइकोटिक, एंड फ्रॉम बेस टू क्लाइविकल अगर जाएगा और शोल्डर तक जाएगा तो स्पाइजेली, ये चेस्ट पेन की बात कर रहे हैं। एक्सट्रीमिटीज की बात करें तो एक्सट्रीमिटीज रूमेटिज्म ऑफ द शोल्डर जॉइंट और एट इंसर्शन ऑफ डेल्टॉइड, देखिए बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया, लोकलाइज्ड किया है, लोकलाइज क्या किया, एट द इंसर्शन ऑफ द डेल्टॉइड एंड एग्रावेशन फ्रॉम आर्म राइजिंग लेटरली, हाथ को बाहर की ओर जब निकालते हैं लेटरली मूव करते हैं तो दर्द ज़्यादा होता है सिफिलिनम एंड रस्टॉक्स को। और अगर राइट शोल्डर की बात करें तो सैंग्यूनरी और लेफ्ट की फेरम, ये हमने मेडोराइनम में डिफ्रेंशिएट किया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। रूमेटिज्म एट द टॉप ऑफ द शोल्डर एंड आर्म, पेन एक्सटेंड टू द फिंगर एंड रिलीव्ड बाई मोशन, मेडोराइनम। रूमेटिक पेन इन द राइट आर्म एंड शोल्डर कैन नॉट रेज द आर्म, एग्रावेशन एट नाइट, एंड ये जो है सैंग्यूनरी कैनाडेंसिस में है, और लेफ्ट शोल्डर का पेन जो है वो फेरम में है। स्किन में कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स है, इरप्शन, डल रेड कॉपर कलर, स्पॉट्स बिकमिंग ब्लू व्हेन गेटिंग कोल्ड, व्हेन द बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स टू रिलीव और परमानेंटली इम्प्रूव, जैसा कि हम जानते हैं नो सोर्स को हम इंटरकरेंट यूज़ करते हैं। इन सिफिलिटिक अफेक्शन हम सिफिलिनम का यूज़ कर सकते हैं। सिफिलिटिकस और पेशेंट हु हैव हैड कैंकर ट्रीटेड बाई लोकल मीन्स एंड एज अ रिजल्ट हैव सफर्ड फ्रॉम थ्रोट एंड स्किन ट्रबल्स फॉर ईयर एंड नियरली ऑलवेज बेनिफिटेड बाई दिस रेमेडी एट कमेंसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट अनलेस सम अदर रेमेडी इज क्लियरली इंडिकेटेड। एग्रावेशन नाइट ट्विन लाइट टू डे लाइट, जैसा कि हम बता चुके हैं मॉडलिटीज में। रिलेशन की बात करें तो आरम एसफोडिटा कैलियाई मर्क्यूरियस फाइटोला का ये हम देख चुके हैं। इन बोन डिजीज एंड सिफिलिटिक अफेक्शन में आरम एसफोडिटा कैली आयोड मर्क्यूरियस एंड फाइटोलक्का का उपयोग कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द सिफिलिनम, ये आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।